नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, कल मैंने इसका जो वीडियो बनाया था आपके लिए, तो वहां पर मैंने आपको इसकी वायरिंग बताई थी, लेकिन आज जो हम इसकी पूरी वायरिंग करेंगे, फुल वायरिंग, और फुल वायरिंग करने के बाद फिर हम इसको टेस्ट भी करेंगे कि एक 2.1 का जो होम थिएटर होता है, जो उसकी वायरिंग होती है, वो किस तरीके से होती है, क्योंकि ये वाला बोर्ड सबसे ज़्यादा कॉमन है जो होम थिएटर के अंदर लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारे कंपोनेंट जो हमारे इसके अंदर लगने वाले हैं वो सब हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, और जो सारे ही चीज़ जो है हम यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहली जो वायरिंग करेंगे हम, वो करेंगे बेस वॉल्यूम। ये देखिए, हमारा ये बेस वॉल्यूम है, इसके सिंपल सीधे कनेक्शन होंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर तीन जो है, यहाँ पर देखिए तीन प्रिंट बनाए गए हैं, तो यहाँ पर लगेंगे हमारे बेस वॉल्यूम के कनेक्शन। ये देखिए, तो यहाँ पर हमारे बेस वॉल्यूम के हम कनेक्शन कर देते हैं। ये देखिए, ये हो गए हमारे बेस के कनेक्शन, सिंपल कनेक्शन एकदम। देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास है वॉल्यूम कंट्रोल, ये हमारा वॉल्यूम कंट्रोल है। पिन नंबर 1 पे हमने यहाँ पर कोई भी कनेक्शन अभी नहीं किए हैं। देखिए, ये देखिए, पिन नंबर 1 पे अभी हमारे कोई भी कनेक्शन नहीं है, और पिन नंबर 2 पे हमारा लेफ्ट और राइट सॉरी ग्राउंड है। तो यहाँ पर ये हम यहाँ पर लगा देंगे ग्राउंड, और ये हमारा लेफ्ट, और ये हमारा राइट। ये देखिए, इसके कनेक्शन हो गए हमारे कुछ इस तरीके से, और ये हमारे वॉल्यूम पे देखिए वायर लगी हुई है। तो ये भी हो गए हमारे कनेक्शन। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम पे कनेक्शन जाते हैं, वो जाते हैं ब्लूटूथ किट के, जो हमारे लेफ्ट और राइट वायरिंग होती है। तो ये भी हम यहाँ पर कर देते हैं वॉल्यूम पे। ये हो गया हमारा लेफ्ट, फिर हो गया हमारा ग्राउंड, ये हो गया हमारा ग्राउंड, और ये हो गया हमारा राइट। लेफ्ट राइट आप कहीं भी लगा सकते हैं, आगे भी लगा सकते हैं और पीछे साइड में भी लगा सकते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से है ये। और यहाँ पर अब जो ब्लूटूथ किट है, उसके हमारे यहाँ पर 5 वोल्ट के वायर हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर हमें आईसी मिलती है 7805, ये देखिए ये लगी हुई है। तो इसके कनेक्शन हम करेंगे यहाँ पर। ये हमारा ग्राउंड पॉइंट हो गया, ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट हो गया, जो हमारी ब्लूटूथ किट की सप्लाई है। यानी कि जो 7805 आईसी की पिन नंबर 3 है, वहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट, और जहाँ पर पिन नंबर 2 है वो नेगेटिव पॉइंट। तो ये हमारे ब्लूटूथ किट की वायरिंग हो गई। यहाँ पर अभी 3 वायर हमारी, ये ऑक्स केबल बची है, ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा ये कहाँ लगेगी। अब ये हो गए हमारा, देखिए ये हमारा सब वूफर है, तो इस सब वूफर के कनेक्शन कर लेते हैं। तो सब वूफर के कनेक्शन देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये कर देते हैं हम सब वूफर के कनेक्शन। ये देखिए, ये हो गए हमारे सब वूफर के कनेक्शन। तो दोस्तों, वीडियो में बिल्कुल भी एडिट नहीं करूँगा, एकदम पूरी जिस तरीके से हमारी वीडियो चलती है उसी तरीके से ही मैं दिखाऊँगा। ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया 12012, ये 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। ये हमारा 12, ये हमारा 0, और ये 12। यानी कि जो हमारा 12 और 12 लगता है वो हमारा डाइवोल्ट पर लगता है, और जो हमारा 0 वोल्ट लगता है वो हमारा जो कैपेसिटर का माइनस प्लस, जो हमारा देखिए यहाँ पर ग्राउंडिंग पॉइंट बनाया जाता है, यानी कि एक कैपेसिटर का माइनस एक प्लस दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो वो ग्राउंडिंग पॉइंट होता है। तो वहाँ पर हमारा 0 वाला वायर लगता है, जो ट्रांसफार्मर का 0 होता है। तो देखिए, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए, इतने कनेक्शन कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर हमारा जो ये छोटे वाला स्पीकर चलता है होम थिएटर के अंदर, यहाँ पर 4 स्पीकर लगते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए लेफ्ट को जो है एक साथ शॉर्ट कर दिया है। ये देखिए, लेफ्ट एक साथ शॉर्ट है हमारा, और जो हमारा राइट है वो भी एक साथ है, और ये हमारा ग्राउंडिंग पॉइंट है। तो इसके कनेक्शन होंगे हमारे यहाँ पर। ये हमारा देखिए लेफ्ट, राइट और हमारा ग्राउंड। तो ये देखिए, ये भी कनेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, लेफ्ट, राइट और ग्राउंड, ये हमारा ऑक्स के, इसका जो हमारे स्पीकर चलेंगे 4, ये उसके हो गए कनेक्शन। ये देखिए, कनेक्शन बिल्कुल सिंपल तरीके से है। और ये हमारा जो ब्लूटूथ किट के अंदर जो ऑक्स वायर आती है, जहाँ पर इनपुट लिखा हुआ होता है, देखिए यहाँ पर इनपुट लिखा हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारा देखिए इनपुट लिखा हुआ है। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर देखिए इनपुट लिखा हुआ है, और यहीं पर हम कनेक्शन करेंगे। तो ये देखिए, ये इस तरीके से हो गया, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारे कनेक्शन। और यहाँ पर अब जो है हमारा जो ऑक्स, जो हम ऑक्स चलाते हैं, जो हमारा होम थिएटर के अंदर हम ऑक्स केबल चलाते हैं, तो वहाँ पर हमारे ये ब्लूटूथ किट के जो ऑक्स वायर है वो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट, ये हो गया हमारा राइट,
ये राइट हो गया हमारा, और ये हो गया ब्लैक वाला हमारा ग्राउंड वायर, यानी कि कॉमन वायर जो होता है हमारा। इन दोनों को आप शॉर्ट भी कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से देखिए कनेक्शन कंप्लीट हो गए। अब देखिए इस कनेक्शन के अंदर हमने यहाँ पर अब हम ये स्पीकर चलाएंगे। ये हमारा स्पीकर हो गया, सबवूफर हो गया। तो एक स्पीकर हम लगा के टेस्टिंग कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है हमारा स्पीकर चलेगा। और यहाँ पर आप कभी भी जब आप पूरे कनेक्शन कर लेते हो तो आपको हमेशा याद रखना है सीरीज बोर्ड के अंदर ही चेक करना है। तो इस बोर्ड को हम सीरीज में करते हैं और यहाँ पर हम इसको टेस्टिंग के लिए लगा देते हैं। तो मैं ट्रांसफार्मर की जो वायर है वो लगा देता हूँ। तो ये देखिए इसके अंदर पावर आ चुकी है, यहाँ पर हमने मेमोरी कार्ड लगा दिया। तो ये देखिए ये हमारा वॉल्यूम, ये देखिए हम नेक्स्ट कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा देखिए बूफर को अभी हम बंद कर देते हैं, जो हमारा बूफर है, और ये हमारी आवाज है सैटेलाइट की। ये हमारा बेस, तो आपने देखा दोस्तों कितने ही आसान तरीके से हमने पूरे होम थिएटर की वायरिंग कर ली। तो हमारा जो 2.1 होम थिएटर होता है वो कुछ इसी तरीके से वायरिंग होती है उसकी। दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूंगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे स्पीकर है वो भी हमारे चारों पॉइंट पे ही काम करते हैं। देखिए ये देखिए ये देखिए। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना।